हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत आपका TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो बच्चे DSSSB में PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उसके कुछ बच्चों के डाउट हैं, पॉइंट हो मेरे सामने, बार बार वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर कैसे करें, क्या करें। तो उन्हीं पॉइंट को लेकर, आपके जो डाउट्स हैं उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये रहता आपका कि सर मेरिट कितने तक चली जाएगी, हम कैसे तैयारी करें कि सिलेक्शन हो जाए, कितना समय देना है, इन चीज़ों को लेकर बेटा आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात बेटा, जो बच्चा TGT PGT की तैयारी कर रहा है, DSSSB आपका बोर्ड है रिक्रूटमेंट, तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज की जो वीडियो है उसमें PGT हिंदी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि सर शुरुआत कैसे करें, इतने दिन हो गए हमें तो पता ही नहीं, बच्चों की ये इस तरह के बेटे डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, आपको करना क्या है कैसे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है। तो बेटा PGT हिंदी के अगर एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं, PGT हिंदी के एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, तो PGT हिंदी में बेटा आपका जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में होगा। तो पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं आप इसे, या तो पार्ट फर्स्ट कह लें या आप इसको जर्नल पेपर भी नाम दे सकते हैं। इसमें बेटे 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद बेटे मैथ्स है, रीजनिंग है, GK है और करंट अफेयर। बेटा 20-20 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट आएंगे ये। तो बेटा 100 मार्क्स का तो ये हो गया, जो चाहे आप PRT का एग्ज़ाम दे लो, TGT का दे लो या PGT का दे लो, ये 100 मार्क्स का सभी का जर्नल पेपर या पार्ट 1 आता ही है। उसके बाद बात करते हैं बेटे PGT में, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी जो सब्जेक्ट आपका वो 200 मार्क्स का आएगा। भी कितने का आएगा, 200 या 200 मार्क्स का आएगा। कुल आपका जो हो गया 100 जो मार्क्स हैं या नंबर हैं वो हो गया आपका जर्नल पेपर, और बेटा 200 नंबर हो गए आपके सब्जेक्ट के। कुल मिला के ये 300 नंबर का है, और ये 300 नंबर का एग्ज़ाम आपका बेटे एक ही दिन होगा, लगातार कंटिन्यू होगा, कोई ब्रेक नहीं है। 180 मिनट इसकी ड्यूरेशन इस एग्ज़ाम के, अर्थात आपको इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा बेटा, 3 घंटे का। और जो क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चन तो पहले वाले में बेटा 20 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन जो है वो एक का है, तो 20 20 20 20 और 20 बेटे, तो 100 तो ये क्वेश्चन पहले वाले में है, और 200 मार्क्स का है ये, तो बेटा 200 ही क्वेश्चन है इसमें। पहली बात तो 300 तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 300 है, और बेटे मिनट की अगर हम बात करें तो आपके पास 180 मिनट का समय है। कई बच्चों को तो जो पहली बार बेचारे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको यही डाउट है कि सर अलग अलग उसमें होगा या सेम डे होगा। सेम डे होगा, कंटिन्यू होगा बेटे PGT हिंदी का। और दूसरी बात, कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा, और जो आपके जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट 300 में से मेरिट बनेगी। भाई कितने में से बनेगी, कंप्लीट 300 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। अब बात ये उठती है कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो लीजिएगा बेटा, अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो इसमें हमें तैयारी कैसे करनी है। पहले हमें क्या देखना बेटे कि जो पार्ट 1 है हमारा, उस पार्ट 1 में कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। सपोज करो कि भी मैथ वीक है या इंग्लिश वीक है या प्यारे बच्चों रीजनिंग वीक है ना, या GK वीक है। हिंदी वालों की हिंदी तो वीक मिलेगी नहीं, पहला जो आपका सामान्य हिंदी आते हो वो तो वीक मिलेगी नहीं, ऑफिशियल बात है। MA इन हिंदी हैं आप, हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी वीक बहुत कम बच्चों की मिलेगी। तो पहले हमें करना क्या है, आपको बेटे अपनी कमी का पता लगाना है कि आपकी जो कमी है वो कमी क्या है, उस कमी का पता लगा के और फिर उस कमी को दूर करना है। सपोज करो आपका मैथ वीक है और इंग्लिश वीक है, तो
और जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जर्नल पेपर के, उन और अदर सब्जेक्ट की तुलना में मैथ और इंग्लिश को आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा क्रैक करने का सबसे मूल जो मंत्र है वो यही है प्यारे बच्चों, कि जो हमारी वीकनेस है उस वीकनेस का, उस कमजोरी का, उस कमी का हम पता लगाकर उसको दूर करें। तो जिसका जो भी सब्जेक्ट दूर है, कमज़ोर है, पहले तो उस कमज़ोरी को हम दूर करेंगे। उसके बाद बेटे अब जो पहला पोर्शन है आपका, अर्थात जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कम से कम टारगेट बनाओ कि कम से कम 60 से लेकर मिनिमम 60, और बेटा मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट होनी नहीं चाहिए। 60 से 70 मार्क्स आपके इसमें अगर आपके आ जाते हैं पार्ट वन में, तो फिर ये लगा लो कि आप बिल्कुल सिलेक्शन की दहलीज पर है, सिलेक्शन के करीब बैठे हैं जी। तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, अगर आपका अच्छा है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तैयारी कर रखी है, तो आप खुद प्रैक्टिस करें, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दे लें। अगर आपका अच्छा नहीं है तो बेटे आप किसी शिक्षक की, जो आपको लगता है शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, उसकी मदद ले सकते हैं आप। कोई संस्थान आपको अच्छा लगता है, उस संस्थान की मदद ले सकते हैं, कोई भी हो सकता हो, तो किसी शिक्षक की या किसी संस्थान से आप ये पढ़ सकते हैं। आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं, YouTube से भी तैयारी कर सकते हो आप, जैसे जो मतलब प्लेटफॉर्म, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो आपका मन कहता है, वैसे आप इसमें तैयारी करके और इस कमी को हम दूर कर सकते हैं भाई। अब बात आ गई बेटे, जो आपका सब्जेक्ट है या जिसको मेन पेपर बोलते हैं, या तो मेन पेपर कह सकते हो बेटे आप, मेंस कह सकते हो, या मेरे प्यारे बच्चों हम पार्ट टू कह सकते हैं, या हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर मैंने एमए की है, इतने साल हो गए एमए की, हमें एक बार ये बता दो कि हमें पढ़ना क्या है। तो पहली बात तो बेटे माइंड में एक चीज़ लेके बैठना, आप अगर आप DSSB के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, चाहे वो TGT है, चाहे PGT है, चाहे PRT है, कोई सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं क्या कहाँ से क्या पूछ लेंगे, अर्थात आपको हर एक पोर्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें 2018 में, और बेटे 2021 की अगर हम बात करते हैं, DSSB में जो PGT की पोस्ट निकली थी, इनकी अगर हम बात करते हैं, इनसे पहले जो थे उसमें बिल्कुल भी PGT में व्याकरण नहीं आता था। पार्ट बी की अगर हम बात करें, और कुछ समय पहले जैसे डिस्क्रिप्टिव भी होता था, ये 2013-14 तक डिस्क्रिप्टिव था, बाद में ऑब्जेक्टिव आया है। तो प्यारे बच्चों मेन बात यह है कि 2018 से 2021 के ये दो अभी PGT के रिसेंटली एग्ज़ाम DSSB ने लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक साल DSSB वैकेंसी टीचिंग की नहीं निकालता। तो अब बात करते हैं, तो इसमें व्याकरण को भी शामिल किया गया है, तो आपको व्याकरण भी पढ़ना है। उसके बाद बेटा हिंदी साहित्य पूरा शामिल किया गया है। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य में भाई आपके आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, आधुनिक काल के फिर छोटे छोटे काल हैं, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेद युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, प्रपद्यवाद है, तो सारा का सारा तो ये काव्य वाला साहित्य। तो उसके बाद आधुनिक काल में क्या आता है साहित्य में बेटे, जो गद्य का जो बच गया आपका, गद्य का जो पार्ट बच गया, हिस्सा बच गया, कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है, संस्मरण है, रेखाचित्र, कुल मिला के सारा वो पढ़ना है। उसके बाद बेटे इसमें काव्यशास्त्र भी आता है। अब काव्यशास्त्र जैसा कि आप जानते हैं, काव्यशास्त्र में बेटे भारतीय काव्यशास्त्र भी आता है, और प्यारे बच्चे उसके बाद बेटे पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी आता है। तो PGT का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों से पूछा जाएगा, भारतीय काव्यशास्त्र से भी पूछे जाते हैं प्रश्न, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अब इसमें आता क्या है, अगर हम बात करते हैं PGT एग्जाम की, तो बेटा NCERT की बात करते हैं, CBSE जो बोर्ड है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो 11th और 12th कक्षा में आपकी संचार अभिव्यक्ति है, तो वहाँ से भी संचार अभिव्यक्ति वाले उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
तो बेटा पूछे जाएंगे, तो वहाँ से पूछे जाते हैं। 11th 12th की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटे भाषा विज्ञान, आपका जो बचा हुआ था वहाँ से भी पूछा जाता है। भाषा विज्ञान में आपका बेटे लिपि भी हो जाएगी, भाषा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, हमारी जो भाषाएं हैं देव हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो सारा का सारा इसमें शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटे अगर आप केवल पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, तो बेटा पीजीटी हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन आपके और आते हैं, वो लास्ट में आते हैं, और उनकी जो संख्या है वो प्यारे बच्चों 181 से लेके और 200 तक की ये जो क्वेश्चन है ये आपके आते हैं। इसमें हिंदी पैडागोजी भी आती है बेटा, हिंदी पैडागोजी भी आती है, उसके साथ साथ हिंदी पैडागोजी के साथ साथ बेटा इसमें क्या आता है, इसमें आती है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसमें जो थ्योरीज वगैरह है। तो ये 20 नंबर जो हैं आपकी, ये आप हो सकता आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़े हों, क्योंकि हम बीएड एक साल पहले हमारे समय में एक साल की थी, अब 2 साल की हो गई, तो बीएड में हम 2 साल ही ये चीज़ें पढ़ते हैं, वो भी हम क्या करते हैं पास होने के लिए पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए सीखने के लिए नहीं पढ़ते। और ये 20 नंबर काफ़ी फिर महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो प्यारे बच्चों ये हैं आपके जो आपके सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो हिंदी में होगी, कौन कौन से हिंदी में कुल मिला के लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो सारे के सारे आएंगे। अगर आपने एमए प्रीवियस की है तो फाइनल ईयर की है तो ये अच्छे से जानते हैं कि भी 5 सब्जेक्ट आपके प्रीवियस ईयर में और 5 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में होते हैं। तो इनको लेके अब आपको करना क्या है कि भी ये देखना है कि भी कौन सा मेरा पोर्शन वीक है, उस वीकनेस का पता लगाना है और उसको दूर करना है। निश्चिंत रहिएगा ये 300 नंबर का टेस्ट अगर आपका अच्छा स्कोर के साथ क्लियर हो गया तो बेटा DSSB बोर्ड आपको सीधा ही ज्वाइनिंग देगा बेटे, कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, हाँ जी परमानेंट जॉब है बिल्कुल बेटे, प्रोबेशन पीरियड सभी में होता हुआ एक अलग है, परमानेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, इज्जत वाली जॉब है, पैसे वाली जॉब है, नाम वाली जॉब है, आराम वाली जॉब है। तो जुट जाइएगा, तैयारी कीजिएगा, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।